This meeting is being recorded. मेरे सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार. फ्रेंड्स, आज शनिवार धरती माता का ध्यान होगा और उसके बाद हम इस पर कुछ शेयरिंग करेंगे जो हमने सोल कोच प्रोग्राम में सीखा, जो मुझ में जो चेंजेस आए उनके बारे में बताऊंगी, क्या एक्सपीरियंस हुए वो सब आपके सामने लाऊंगी. तो पहले हम चलेंगे ध्यान की तरफ. ध्यान के लिए हमारी प्यारी शालिनी वर्मा जी हमारे बीच में हैं. शालिनी जी, आपका स्वागत है. आप आई और हमें ध्यान की अनंत यात्रा में लेके चले. अनम्यूट कर लें अपने को. हाँ, सभी ध्यानियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. यहाँ पे हम सब लोग काफी समय से ध्यान कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नए हैं और शायद उन्हें मैं बता दूं कि ध्यान के क्या नियम है. तो सबसे पहले तो आप सभी लोग थोड़ा सा पानी पी लें. पानी पीने से कुछ नहीं होता, सिर्फ हम थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि जल ही जीवन है ऐसा कहा गया है. तो थोड़ा सा पानी पी लीजिए. अपने कमरे की लाइट को कम कर दीजिए या हो सके तो बंद कर दीजिए. एक बहुत ही आरामदायक स्थिति में बैठिए, क्योंकि ध्यान में सबसे महत्वपूर्ण हमारा आसन होता है. तो जो आसन है आपका वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ध्यान में. तो देख लीजिए कंफर्टेबल हो एकदम, और उस पे जो लोग जमीन पे, फर्श पे या पलंग पे बैठना चाहते हैं या कुर्सी पे भी बैठना अगर कोई चाहता है तो मैं बता देती हूँ कि कुर्सी पे बैठे हैं तो आपने पैरों को इस तरह से क्रॉस कर लीजिए और हाथों को इस तरह से बंद लगा लीजिए. जो लोग आलती पालती मार सकते हैं पलंग पे बैठे हैं या फर्श पे बैठे हैं आंखें लगा के, तो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं. बहुत कोमलता से अपनी आंखें बंद करें. चश्मा उतार दें, क्योंकि ध्यान में हमारा चश्मे का कोई काम नहीं. बहुत आराम से सुखद स्थिति में बैठें. देखिए शरीर में कहीं कुछ चुभ तो नहीं रहा, कहीं कोई बैठने में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही. अपने आप को बहुत कंफर्टेबल कर लीजिए. आंखें कोमलता से बंद और ध्यान अपनी सांसों पे. पहले हम एक तीन बार गहरी सांस लेंगे और धीरे लेकिन लंबी गहरी सांस लेंगे. जितना समय आप सांस अंदर ले तेल लगाने में ले रहे हैं उससे ज्यादा समय सांस को छोड़ने में लगाना, यानी कि बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ना. ये प्रक्रिया हम दूसरी बार करेंगे. गहरी सांस लें, बहुत धीरे धीरे छोड़े. दोबारा तीसरी बार, यानी कि देखिए कैसे शरीर रिलैक्स होना शुरू हो गया है. देखिए शरीर में कहीं तनाव तो नहीं. पैरों को देखिए, क्या उनमें कहीं तनाव है. रिलीज करिए इस तनाव से, रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स. पैरों से ऊपर घुटने जाएंगे, जाने से ऊपर का एरिया हमारा, रिलैक्स कर दीजिए इसको पूरी तरह से. रिलैक्स कमर सीधी और एकदम रिलैक्स. पीठ और कंधे एकदम शांत और रिलैक्स. दोनों हाथ, कोहनियां, हाथों की उंगलियां सब शांत. चेहरा, चेहरे की मांसपेशियां, नाम, कान, मुंह और हमारा सबसे महत्वपूर्ण एरिया दिमाग,
सब शाम, सबको कहिए अभी ध्यान का समय है हमारे, हमें ध्यान करना है बिल्कुल शाम। ध्यान सांसों पे लगाएं और सबसे पहले पिता महापत्री जी का आह्वान करें, या पिता महापत्री जी का आह्वान करती हूँ, वो आए और हमें ध्यान करना सिखाएं, हमारे साथ ध्यान में बैठें। बाबा जी महाप्रसाद का आह्वान करते हैं, हरि भगवान विष्णु का, महादेव का और समस्त देवी देवता जिन्हें जो हमारे साथ ध्यान करना चाहते हैं, वो सभी पुण्य आत्माएं, वो गुरुजन जो हमारे साथ ध्यान करना चाहते हैं, उन्हें ध्यान करना सिखाना चाहते हैं, वो सभी सादर आमंत्रित हैं। ध्यान में जाने से पहले देखें कहीं शरीर में तनाव तो नहीं रहा, अगर है उसे रिलीज करिए। मन को शांत करिए, उसे कहिए अभी मेरे ध्यान का समय है, अभी मैं ध्यान कर रही हूँ, बाद में आना। सारा ध्यान अपने आती जाती सांसों पे केंद्रित करें। देखो सांस कहाँ से जा रही है, इतनी सांस छूटनी नहीं चाहिए, हर सांस पे ध्यान रखना है। आज माँ वसुंधरा के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, तो माँ वसुंधरा का भी आह्वान करते हैं, हे माँ वसुंधरा आप आए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, ये विचार तो निरंतर आते ही नहीं है, किंतु हमारा ध्यान सिर्फ हमारे सांस पे, इन विचारों में उलझे ना। देखो धीरे धीरे मन शांत हो रहा है, बिल्कुल शांत। सुंदर सरल सहज हमारी सांसें,
जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं, केवल ध्यान में है। सभी बच्चे लैसे रहे, बाहर से जल्दबाजी और हर जल्दी, अब हम अंतर्मुख हो गए हैं, अब तक हम और हमारे साथ हैं। धीरे धीरे हर सांस के साथ हमारी दिन भर की थकान कर रहे हैं, मन में पड़ी हुई अनेक बातों की गांठ निकल रही है, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सबसे कह दीजिए कि अभी मेरे ध्यान का समय है, अभी सिर्फ मुझे ध्यान करना है। देखो कितनी ठंडी ठंडी सांस आ रही है, कितनी धीमी और मधुर सांस आ रही है, क्या भरा है सांस में, प्रेम, सबके लिए प्रेम, माँ वसुंधरा के लिए प्रेम, कितना प्यार करती है ना माँ उनसे, कितना कुछ देती है, बिना मांगे देती है, छोटे से बीज से कैसे एक बड़ा वृक्ष बनाती है जिसमें असंख्य फल आते हैं, असंख्य पक्षियों का निवास स्थान बनता है। राजगीरों को छाया देता है, हमें ठंडी हवा देती है, ये सब कैसे संभव हो पाता है, माँ वसुंधरा की वजह से। कितनी प्यारी होती है ना माँ, बिना मांगे देती है। तो आज हम भी अपने माँ के लिए ध्यान कर रहे हैं, ध्यान में
लहरों से छुपी ऊर्जा उत्पन्न होगी, वो सब हम अपनी माँ को देंगे। आज हम ध्यान माँ वसुंधरा के लिए कर रहे हैं, तो हम सब प्रयास करेंगे कि जितना हो सके उतने गहरे ध्यान में जाएंगे, बिल्कुल गहरे, बहुत गहरे। उतर जाइए अपने एकदम गहराई में, देखिए क्या है माँ, कितना सारा प्रेम है भरा हुआ, कितना सुकून है। आप भी कितने रिलैक्स हो गए हैं ना, एकदम शांत। फिर आशीर्वाद, सुंदर सहज और सरल ढंग से आई है। अपनी एक एक सांस से प्यार से निहारो, क्या भरा है प्रेम, उसी प्रेम से निहारो एक एक सांस को। देखो माँ वसुंधरा कैसे मुस्कुरा रही हैं, कैसे चंदू चंदू हवा चल रही है, सारे पेड़ पौधे वृक्ष विश्व पक्षी अच्छे जा रहे हैं, लहरा रहे हैं।
माँ का ध्यान आंचल कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, सुकून महसूस हो रहा है आज माँ के साथ बैठने में। कितना अच्छा लग रहा है। कितनी सुंदर लग रही है माँ आज। पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया ऐसे नहीं बैठे हम माँ के साथ। कितना सुकून महसूस हो रहा है। महसूस करिए इस प्रेम को, इस सुकून को। गहराई से महसूस करें इस प्रेम को। इस सुकून में प्रेम को और बढ़ाएं। मन की शांति को और बढ़ाएं। फिर और शांत में हूँ। कितना प्रेम भर गया।
सबसे पहले स्पाइन को करें, क्योंकि जिसे बाहर खोजते हैं वो तो अंदर ही विराजमान है। अपने आप को ट्रेन करें, अब घर के कोने कोने में ट्रेन चलाएं, हर एक कोने में सबको प्यार से ही, सबको प्यार करें। परिवार के समस्त सदस्य को करें, घर के बाहर अगल बगल पड़ोसी को, पूरी गली को, सबको प्यार दो। तो चाहती हूँ हम कि सब प्यार से हूँ, इसलिए तो वो बिना मांगे हमें देते हैं कि हमारी जरूरतें पूरी करती है। तो क्या हम आपस में प्रेम से नहीं रह सकते, रह सकते हैं? यही सिखा रही है माँ। वो देते तो हमें दो बात नहीं करते, तो फिर हम क्यों परेशान होते? सबको प्यार करें, अपने सारे रिश्तेदारों को करें, गली पे, मोहल्ले पे, कॉलोनी पे, सब लोग से प्यार दें, खूब प्यार बांटें और बढ़ाए अपनी ऊर्जा। पूरे शहर को प्यार करें, हर गांव, हर कस्बे, हर शहर में चलाएं, बढ़ाए अपनी ऊर्जा और बढ़ाए। यही तो चाहती है माँ। जितना हम बच्चे प्यार से रहेंगे, हमारी माँ उतनी तो लहराएगी, उतनी तो खुश होगी। सारे विश्व में प्यार से रहेंगे, कण कण में प्यार फैलाएं, हर वृक्ष, हर पौधा, हर पेड़, हर पशु पक्षी, हर जीव जंतु को प्यार करें। माने कैसे सबको अपने आंचल में समा रखा है, सबका ध्यान रखती है माँ। जीवन दायिनी समस्त नदियों को प्यार दें, वर्षा करने वाले उन समस्त समुद्रों को प्यार करें। कैसे करेंगे न प्यार हम? कूड़ा ना फेंकते रहेंगे, गंदगी ना मचाते रहेंगे,
हाँ ना बिल्कुल, हर समय बिल्कुल साफ रखें, उनमें रहने वाले जीव जंतु को दिक्कत होती है हमारे द्वारा फैलाए हुए इस गंदगी से, माँ बस उन्हें परेशान होती है, हमें माँ को परेशानी करना माँ की प्रसन्नता का कारण बनना है। अपने हृदय में एक ही इच्छा रखना, कैसे माँ वसुंधरा का ध्यान रख सकते हैं, माँ के लिए क्या कर सकते हैं, जहां जगह भी जहां पौधे लग सकते हैं वहां पेड़ पौधे लगाएं, कहीं जाएं तो कूड़ा ना फैलाएं, यही तो प्रेम है, प्रेम का तात्पर्य ही ये है। ध्यान रखना, देखो माता जी को हम कितना प्यार करती है, बिना मांगे देती रहती है और दिए ही जा रही है, तो हम भी ऐसे ही ध्यान रखें, मगर अपनी माँ को हरा भरा रखें। पानी में बांध Thank you.
आज माँ के सानिध्य में बैठ के बातें करना कितना अच्छा लग रहा है। देखो कैसे प्रेम फैल रहा है, सब तरफ चारों दिशाओं में फैल रहा है। आपके प्रेम की ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है, कण कण में फैल रही है। सारे ब्रह्मांड में कई की ऊर्जा फैल रही है, समस्त लोगों में और समस्त लोगों में प्यार की ऊर्जा फैल रही है। माँ मुस्कुरा रही है, माँ का धानी आंचल कितना नहर आ रहा है, कितना सुंदर लग रहे हैं इसमें पीले पीले सरसों के फूल। बस थोड़ी सी सतर्कता और ध्यान से हम अपनी माँ को प्रसन्न रख सकते हैं। मैं खुद से ही शुरुआत करूंगा। और यही प्रेम की देवता है, कितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा। ऐसी तो हमारी माँ वसुंधरा करती है, हमें जितना देती है उतना ही बढ़ता जाता है।
आज हम सब ध्यान में मिलकर एक संकल्प करेंगे और यही हमारा भाव होगा माँ के लिए, माँ वसुंधरा के लिए। हम कहीं भी जाएंगे, यात्रा करेंगे, चाहे कार से चाहे बस से, हम कूड़ा इधर उधर नहीं फैलाएंगे, इधर उधर फेंक कर नहीं आएंगे। उसके एक निश्चित स्थान पर ही उसको डालेंगे। यही हमारा उपहार है माँ से और यही हमारा संकल्प। कार में, ट्रेन में, बस में बैठ के थोड़ा बाहर नहीं फेंकेंगे, घर के तरफ करेंगे ना, ऐसा देंगे ना माँ को हम ये उपहार मिलके। सब हाँ हम ये कर सकते हैं, हम अपनी माँ के लिए इतना कर सकते हैं, देंगे हम अपनी माँ को ये उपहार, देंगे हम ये संकल्प। आखिर के पास में इस ऊर्जा के साथ जुड़े रहेंगे, माँ वसुंधरा के साथ जुड़े रहेंगे और माँ को पूर्ण रूप से आश्वस्त करेंगे कि हम अपने संकल्प को अवश्य पूरा करेंगे और साथ ही सभी लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करेंगे। ध्यान से जो भी हो, जो उत्पन्न हुए वो सभी हम विनम्र भाव से माँ को समर्पित करेंगे।
धीरे धीरे हम अपने भौतिक शरीर के ओर लौटेंगे। आखिरी के 3 मिनट कोई भी आंखें नहीं खोलेगा, मन मन को शांत और स्थिर रखेंगे। अभी भी आखिर के 2 मिनट दोस्तों अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करें। धीरे धीरे अपने पैर की उंगलियों को हिलाएं, हाथ को मिल जाए, बाबा जी महाता और पितामह फतेह जी का कोटि कोटि धन्यवाद। महादेव और हरि भगवान विष्णु का भी कोटि कोटि धन्यवाद। यहाँ उपस्थित उन समस्त दिव्य आत्माओं का जो हमारे साथ रहें, जिन्होंने हमारे ध्यान में हमारा साथ दिया और हमें ध्यान लगाने में हमारी सहायता करी, उन सब का भी कोटि कोटि धन्यवाद। माँ वसुंधरा का हृदय से आभार, जिन्होंने हमें अपनी सेवा का ये स्रोत कर दिया। लास्ट 1 मिनट से स्थिर चित रखते हुए अपना वापस आइए अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करिए, माँ वसुंधरा को प्रणाम करिए, कोमलता से अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, कोमलता से अपने दोनों हाथों को अलग करें और आंखों पे रखें। इस दिव्य ऊर्जा को अपने चेहरे पे और अपने शरीर पे महसूस करें। थैंक यू शालिनी, बहुत सुंदर ध्यान। धन्यवाद शालिनी। थैंक यू मैम, बहुत सुंदर, बहुत डीप, काफी डीप था ध्यान सच में। अभी कुछ लोग शायद बैठे हुए हैं लग रहा है ध्यान में, अभी भी लग रहा है ऐसा, एनर्जी बहुत ज्यादा थी आज। बहुत अच्छा था ध्यान, मैंने देखा कि मैं ध्यान में धरती माता की ना सफाई कर रही हूँ, छोटी छोटी चीजें पड़ी हुई हैं मैं उनको भी क्लीन करके किनारे कर रही हूँ। प्रज्ञा जी आज हमने यही किया सुबह। अच्छा, स्वागत है आपका। थैंक यू। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, बहुत बड़ा लॉन है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, आप कहाँ इस समय, कहाँ पर? श्रीनगर में, श्रीनगर में आपको दिख रहा होगा शायद। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। तो ना बहुत कचरा इकट्ठा हो गया था बाहर, लोगों ने पेपर नीचे, ऑफिस है क्योंकि ऊपर हम रहते हैं, तो आज हम लोगों ने मिलके आज हमने सोचा कि ये बहुत ही ज्यादा गंदगी हो रही है, तो हमने सब ऑफिस वालों को भी सबको थोड़ा जागरूकता लाने के लिए हमने सबने कचरा समेटा पूरा।
अरे क्या हुआ थे देखो, भर भर के भेजा फेंका उसको। हाँ तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग मिस कर रहे थे भैया आपको। हाँ हम भी आपको मिस कर रहे थे। नमस्ते जी, इंदु जी, स्वागत है आपका मैम, बहुत दिनों बाद दिखे। थैंक यू। हाँ बहुत दिन, मुझे भी एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उस टाइम तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने कहा चलो आज तो, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि वही सफाई चल रही थी बाहर, फिर भी मैंने कहा मैं आपके साथ ही ज्वाइन करूंगी। जो हमने ध्यान में करा आप रियल में करा वो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो जी, नमस्कार। सो नाइस टू सी यू ऑल। बहुत दिनों के बाद देखा आपको। हाँ जी बहुत दिन, 2 महीने हो रहा है मुझे लगता है, दिसंबर जनवरी में। 12th को शायद आपने क्लास ली थी, 12th को या 13th को क्लास ली थी जैन में। हाँ हाँ हाँ, फिर बच्चे आए हुए थे आपके तो। हाँ उस टाइम बच्चे आए हुए, वो गए फिर उसके बाद आप घूमने चले गए होंगे। फिर हम यहाँ आ गए, श्रीनगर आ गए ना। काफी दिन हो गए ना। ये भी एक्चुअली बड़ा वो टाइम ऐसा था कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे क्या करें, श्रीनगर जाएं कि ना जाएं।